आपके लिए बहुत ही प्यारे से सुंदर से टू कलर में डिजाइनर बेबी बुटीज लेके आई हूँ। तो इसको बुनने के लिए मैंने यहाँ पे टू कलर की ये वूल ली है और 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। वर्धमान वाली मेरी बेबी वूल है और 10 नंबर की मैंने नीडल्स ली है। तो देखिए बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी इस तरह से हमारी ये बेबी बुटीज बन के आई है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है और बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए जितनी देखने में सुंदर है बनाने में उतनी ही आसान है। मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा इस तरह से हमने इसका डिजाइन बनाया है और ये 1 साल से लेके 2-2.5 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी। देखिए बहुत ही अच्छे से हमारी ये बन के आई है। किसी भी साइज में आप बना सकते हैं, वीडियो में मैंने सब डिटेल से बताया हुआ है। तो अगर आपको मेरी ये बेबी बुटीज पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आप इसके अंदर अगर डोरी डालना चाहते हैं तो क्रोशिया से डोरी बना के यहाँ पर डोरी आप इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर डिजाइन है, तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। अगर आप इसको वर्धमान, ओसवाल, रैबिट, गंगा इसमें बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिए। और आप इसको बुनना चाहते हैं 3 तार वाली 3 प्लाई वाली वूल में तो आप यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा, तो डिजाइन बहुत ही अच्छे से बन के आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे फंदे डालेंगे। फंदे हम ऐसे डबल धागे से डालेंगे, ऐसे डबल धागा करेंगे और यहाँ पे एक नोट लगाएंगे इस तरह से, नोट लगा लेंगे, इतना धागा लेंगे और फिर यहाँ पे एक फंदा हम बनाएंगे इस तरह से। फंदा बना के नीडल में डाल लेंगे। अब देखिए डबल धागा है, इसको यहाँ पे अंगूठे पे करेंगे, सिंगल को उंगली पे करेंगे। यहाँ से ऐसे सिलाई डाल लेंगे और इस तरह से फंदा बनाएंगे, फिर यहाँ से डाल लेंगे, इस तरह से बनाएंगे। इसी तरह से करते हुए हम यहाँ पर 35 फंदे डाल लेंगे। तो ये फंदे डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे बनाएंगे। तो ये 35 फंदे मैंने डाल लिए, यानी 35 फंदे डाले हैं। अब हम यहाँ से देखिए बनाना शुरू करेंगे। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इस तरह से पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे इस तरह से, उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए इसका बॉर्डर हम बना लेंगे। तो देखिए बॉर्डर बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये मैंने 8 सिलाई बनाई है, 4 सीधी तरफ से, 4 उल्टी तरफ से। तो अब हमारी ये यहाँ से बैक साइड है, यहाँ से अब हम अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे और इन फंदों को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो 35 फंदे हैं, इसमें से 3 फंदे हम सेंटर के रखेंगे, तो 35 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 32 फंदे बच जाएंगे। 16 फंदे हम स्टार्टिंग में रखेंगे, 16 फंदे लास्ट में रखेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो 16 फंदे यहाँ पे एक मार्कर लगाएंगे इस तरह से। अब ये 3 फंदे सेंटर के रखेंगे, यहाँ पर फिर से हम मार्कर लगाएंगे ऐसे। अब ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 8 16। तो 16 यहाँ पे है स्टार्टिंग में, 16 लास्ट में है, 3 फंदे सेंटर में है। ये हमारी रॉन्ग साइड है। अब यहाँ से देखिए हम ये येलो कलर लगाएंगे यहाँ से ऐसे, नोट लगा के यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से।
अब देखिए जो ये 16 फंदे हैं इन फंदों को हम यहाँ पर इस कलर से बुनेंगे। सेकंड कलर से उल्टा उल्टा बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, और जो ये धागा है इस धागे को भी अंदर की तरफ दबाते चलेंगे, सेंटर में हमने इसको लेके जाना है, तो इसको ऐसे अंदर की तरफ दबाते चलेंगे। अब फिर इसको यहाँ पे दबाएंगे, इस तरह से। अब इस मार्कर को वापस इसी पे लेंगे और इसको बैक में करेंगे ऐसे। अब जो ये तीन फंदे हैं इनको फिर से हम पिंक से बुनेंगे, एक दो तीन। अब फिर से इस मार्कर को लेंगे ऐसे पीछे की तरफ करेंगे और आगे के फंदे फिर से येलो कलर से बुन लेंगे। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा और बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए ये पूरी सिलाई को मैंने अब बुन लिया। अब आ जाइए राइट साइड में, तो देखिए अब यहाँ से जो ये फंदे हैं इन फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे ऐसे, धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से उल्टे बनाएंगे 16 फंदे। तो ये 16 फंदे मैंने बुन लिए। अब इस मार्कर को यहाँ पे लेंगे और धागे को ऐसे क्रॉस कराएंगे और जो हमारा ये पिंक धागा है इसको आगे की तरफ करेंगे। अब देखिए जो सेंटर के तीन फंदे हैं साइड के फंदे हम हर सीधी सिलाई में उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और जो ये सेंटर का फंदा है इसको सीधा बनाएंगे सीधी तरफ से, धागा अपनी तरफ फिर से एक फंदा उल्टा, फिर धागा क्रॉस कराएंगे और इस तरह से इस धागे को आगे की तरफ करेंगे। पहले ये मार्कर डालेंगे यहाँ पे, अब धागे को आगे करेंगे और फिर से ये लास्ट के 16 फंदे उल्टे उल्टे बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। अब आ जाइए राइट साइड में थर्ड रो में, तो यहाँ से इन 16 फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये 16 फंदे साइड वाले हैं जो दोनों तरफ, ये दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बनाए जाएंगे। तो ये 16 फंदे मैंने बुन लिए। अब इस मार्कर को वापस इसी पे डालेंगे। अब देखिए जो ये तीन फंदे हैं फर्स्ट फंदे को ऐसे धागे को क्रॉस कराएंगे, फर्स्ट फंदे को यहाँ पे पिंक बुनेंगे और अब देखिए यहाँ पर एक फंदा हम इस येलो कलर से बढ़ाएंगे ऐसे, इस तरह से। फिर इस फंदे को पिंक से बुनेंगे, फिर से एक फंदा यहाँ पर बढ़ाएंगे ऐसे और ये फंदा फिर से पिंक बनाएंगे। तो देखिए अब तीन फंदों से हमारे पांच फंदे बन गए, दो फंदे बट गए। एक रो में हम येलो से बढ़ाएंगे, एक में हम बेस कलर से बढ़ाएंगे। अब आगे के फंदे फिर से हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। अब आ जाइए राइट साइड में, तो देखिए फिर यहाँ से इस फंदे को ऐसे ही स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो ये 16 फंदे उल्टे उल्टे बुन लिए। अब इस मार्कर को यहाँ पे लेंगे और धागे को क्रॉस कराएंगे ऐसे, जो ये पिंक फंदा है इसको पिंक से बनाएंगे उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर से येलो धागा आगे करेंगे, क्रॉस कराएंगे, उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और इस धागे को पीछे रखेंगे। ये सेंटर का फंदा है जो पिंक वाला,
इसको सीधा बनाएंगे, फिर धागे को क्रॉस कराएंगे ऐसे, और ये येलो फंदा येलो से बुनेंगे उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, क्रॉस कराएंगे धागा अपनी तरफ, फिर से एक फंदा ये पिंक वाला। तो अब देखिए इस मार्कर को इस नीडल पे लेंगे ऐसे, धागा आगे करेंगे और आगे के फंदे फिर से ऐसे ही बुन लेंगे। सेंटर में हमारे हर सीधी सिलाई में दो फंदे बढ़ते जाएंगे। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में, फिर से ये 16 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो ये 16 फंदे मैंने बुन लिए। अब मार्कर को इस निडल पे लेंगे, ऐसे धागे को यहाँ से क्रॉस कराएंगे, और ये फंदा पिंक का है तो इसको पिंक का बनाएंगे। अब देखिए हमारे पास ये फंदा, अब यहाँ पे येलो है तो इसको येलो बनाएंगे। ये सेंटर का फंदा है, इसके साथ में हम फंदा बढ़ाएंगे, ऐसे फंदा बना लेंगे। अब फिर देखिए ये फंदा हमारा पिंक है, इसको पिंक बनाएंगे, फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से। अब फिर देखिए ये फंदा हमारा येलो है तो इसको येलो बनाएंगे, अब फिर पिंक है तो इसको पिंक बनाएंगे। अब इस मार्कर को इस निडल पे लेंगे और आगे के फंदे फिर से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। एक सिलाई में यहाँ पर येलो से फंदे बढ़ेंगे, एक सिलाई में यहाँ पर पिंक से फंदे बढ़ेंगे। अब आ जाइए राइट साइड में, तो फिर से यहाँ से इन फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये 16 फंदे बुन लिए। अब इस मार्कर को इस पे लेंगे, ऐसे धागा क्रॉस कराएंगे, और जो पिंक वाला धागा है इसको आगे करेंगे और इस फंदे को उल्टा बनाएंगे। अब धागा क्रॉस कराएंगे, फिर से पिंक फंदा है तो इसको पिंक बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से ये फंदा पिंक है तो इसको पिंक बनाएंगे धागा पीछे। अब देखिए जो ये सेंटर का फंदा है, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, अब फिर धागा अपनी तरफ, फिर से इस फंदे को पिंक बनाएंगे धागा पीछे करेंगे, अब फिर से येलो धागा आगे करेंगे, ये येलो का है तो इसको येलो से बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से पिंक है तो इसको पिंक से बनाएंगे। सीधी तरफ से जो फंदा जिस कलर का है उसको उसी कलर से उल्टा बनाएंगे, सिर्फ सेंटर का फंदा सीधा बनाएंगे। अब आगे के फंदे फिर से येलो बुनेंगे उल्टे उल्टे। अब फिर आ जाइए बैक साइड में, फिर से इन फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे, उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये फंदे बुन लिए। अब इस मार्कर को यहाँ पे लेंगे इस तरह से, और इस धागे को क्रॉस कराएंगे, पिंक फंदा है तो इसको पिंक से बनाएंगे, येलो है इसको येलो से बुनेंगे। अब देखिए इस तरह से, अब ये तीन फंदे हैं, इस फंदे को पिंक बनाएंगे, और ये फंदा है जो हमारा ये वाला, ये सेंटर का है, इसके पास में अब हम येलो से फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से, और ये फंदा फिर पिंक, फिर से इस फंदे को यहाँ से बढ़ाएंगे, फिर एक फंदा पिंक बनाएंगे, एक फंदा येलो बनाएंगे इस तरह से, ये फंदा फिर से पिंक बनाएंगे। तो इस तरह से बना लेंगे। अब इस मार्कर को इस पे लेंगे और आगे के फंदे फिर से उल्टे उल्टे बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। अब आ जाइए राइट साइड में, फिर से ये 16 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। ये फंदे बुन लिए। अब इस मार्कर को यहाँ पे लेंगे, अब देखिए 2, 4, 6, 8 और 1, 9, 9 फंदे सेंटर में बन गए, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ से ये फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर येलो फंदा येलो बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से ये फंदा पिंक बनाएंगे, फिर से धागा पीछे,
येलो आगे करेंगे, येलो बनाएंगे। अब ये फंदा हमारा सेंटर का है, जो ये सीधा बनता जाएगा सीधी तरफ से, ऐसे इसको सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ येलो है, येलो बनाएंगे, धागा पीछे, फिर से पिंक, धागा पीछे, येलो आगे, येलो से बनाएंगे, धागा पीछे, फिर से पिंक फंदा आगे। ऐसे पिंक फंदा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, मार्कर चेंज करेंगे, धागा अपनी तरफ इस तरह से, और ये आगे के फंदे फिर से बुन लेंगे। तो ये सीधी तरफ से सिलाई बन के कंप्लीट हुई, और ये एक डिजाइन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक दो तीन चार, चार गांठें हमारी ये बन के आई हैं, और चार ही यहाँ पे धारियाँ हैं। तो अब हम देखिए यहाँ से कैसे करेंगे। अब हमारे पास ये यहाँ पे 16 फंदे थे, अब दो फंदे आगे से लेंगे और फिर यहाँ पर 18 फंदे बनाएंगे। तो इस तरह से बुनेंगे। तो ये 16 फंदे मैंने बुन लिए। अब इस मार्कर को यहाँ से निकाल लेंगे और ये आगे से दो फंदे और बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 18 फंदे येलो से बुन लिए। अब इस मार्कर को फिर से यहीं पे ही लगाएंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ पर, अब ये फंदा पिंक है तो इसको पिंक बनाएंगे, ये येलो है तो इसको येलो बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर फंदा हम फिर से पिंक से बढ़ाएंगे ऐसे, और ये फंदा सेंटर का है, फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। फिर ये येलो से है तो इसको येलो से बनाएंगे, पिंक वाला है तो इसको पिंक से बनाएंगे। अब देखिए ये दो फंदे, ये और 16, ये 18 फंदे हम येलो से बुनेंगे इस तरह से। एक दो, ये आगे से, अब हमारे टोटल 18 फंदे बन जाएंगे। देखिए एक डिजाइन, जब हमारा ये यहाँ पर एक डिजाइन कंप्लीट होता है तो बीच में ये इस तरह से डिजाइन बन जाता है यहाँ पर। तो एक डिजाइन कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसी को बार बार रिपीट करते हुए हम इसकी लेंथ को बना लेंगे। तो देखिए एक डिजाइन को मैंने सेकंड डिजाइन को भी कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट डिजाइन में हमारे यहाँ पे 16 फंदे थे और यहाँ पर दो फंदे हमने अंदर से ऐड किए तो हमारे 18 थे। अब देखिए यहाँ पर सीधी तरफ से हमारे ये दो डिजाइन कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट सेकंड। अब देखिए थर्ड डिजाइन है यहाँ पर। अब ये जैसे, अब ये आपको जैसे ये दो धारी नजर आएंगी, अब आगे से फिर से फंदे ऐड करेंगे। जब ये दो धारी यहाँ पे बन जाए, अंदर की तरफ दो फंदे ऐड किए हुए, चार सिलाइयाँ बुन लेंगे, फिर से फंदे ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर हम 20 फंदे बनाएंगे। तो इस तरह से 20 फंदे बुन लेंगे। 18 फंदे ये हैं और दो फंदे हम आगे से ऐड करें। देखिए ये 18 फंदे मैंने बुन लिए। अब इस मार्कर को यहाँ पे डालेंगे और दो फंदे सेंटर से लेंगे। तो ये 19 और ये 20। अब जो फंदा जैसा है उसको बनाएंगे और सेंटर के फंदे के पास में फंदा बढ़ाएंगे। तो ये येलो है, अब यहाँ पर फंदा फिर से बढ़ाएंगे इस तरह से। फिर ये फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। जब हम फंदे यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ हमारे सेंटर में बेस कलर के तीन फंदे ऑटोमेटिक बन जाएंगे। यही पहचान आप यहाँ पे डिजाइन में रखिएगा। इसको पिंक बनाएंगे। अब ये दो फंदे हैं, इनको इन फंदों में ऐड करेंगे तो इनको पिंक से बनाएंगे। इनको ऐसे पिंक से, येलो से बुनेंगे, सॉरी, यहाँ से मार्कर को निकाल लेंगे और इन फंदों को लास्ट तक बुन लेंगे।
अब आ जाइए राइट साइड में सीधी तरफ, तो यहां से फिर से ये 20 फंदे बुन लेंगे। तो ये 20 फंदे बुन लिए, अब धागा पीछे करेंगे, क्रॉस कराएंगे। पिंक धागा फंदा है तो इसको पिंक से बनाएंगे, धागे को क्रॉस कराएंगे, फिर से येलो का है तो इसको येलो से बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से ये जो सेंटर के 3 फंदे हैं इसको उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, अब जो ये सेंटर का फंदा है इसको सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ 1 फंदा, फिर से उल्टा, धागा पीछे, अब धागे को क्रॉस कराएंगे ऐसे, येलो है तो इसको येलो से बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, इसको पिंक से बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये हमारे यहाँ पर 20 फंदे ऐसे बन जाएंगे। तो इसी तरह से हम इस डिजाइन को कंप्लीट कर लेंगे। 2 डिजाइन कंप्लीट है, तीसरा डिजाइन 2 रो के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से इसकी लेंथ को बना लेंगे। तो देखिए अब हमारा ये फ्लावर बन के 3 फ्लावर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 4th फ्लावर वो हमारा हाफ है, तो हमारी लेंथ कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ और आठ इस साइड से, तो टोटल ये 16 सिलाइयों में मैंने इस डिजाइन को डाला है। आप इसमें कितने भी साइज में बना सकते हैं, 1 ईयर बेबी के लिए, 2 ईयर बेबी के लिए, 3 ईयर बेबी के लिए, सिर्फ इस डिजाइन को आप आगे बढ़ाते जाइएगा और यहाँ पर 4 से 5 फंदे ज़्यादा डाल लीजिएगा, जोड़े के हिसाब से डाल के 1 फंदा प्लस कीजिएगा, फिर यह डिजाइन ऐसे ही डलता जाएगा, किसी भी साइज में आप बना सकते हैं। तो अब बैक साइड से आएंगे तो देखिए अब हम इस धागे को यहाँ से कट करेंगे, इस धागे को कट कर लेंगे और अब यहाँ से अब हम अपना ये पिंक धागा लगाएंगे और पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे इस तरह से। इस धागे को अंदर की तरफ दबा लेंगे और जो ये येलो धागा है इसको भी हम यहाँ से कट करेंगे। अब हमने आगे का पार्ट पिंक से बुनना है तो इस धागे को भी अंदर दबाएंगे। तो इस तरह से दबाते हुए पूरी रो को हम ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे, तो दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए हम यहाँ पर टोटल 8 से 10 सिलाइयाँ हम बुन लेंगे, दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बनाएंगे। अब देखिए जो ये धागा है इस धागे को भी ऐसे टाइट करेंगे और अंदर की तरफ दबाएंगे, यहाँ पर इसको टाइट रखेंगे, लूज नहीं रहने देंगे, इस तरह से टाइट करेंगे, अब अंदर की तरफ दबाएंगे। तो इसी तरह से पूरी रो को सीधी तरफ से भी उल्टा और उल्टी तरफ से भी उल्टा बनाते हुए बुन लेंगे। तो देखिए इस तरह से उल्टी उल्टी धारी बनाएंगे, बैक साइड से भी उल्टा उल्टा बुना और सीधी तरफ से भी, तो हमारी एक धारी बन के आई। तो हमारे नीडल पे ये टोटल 49 फंदे हैं, 49 फंदे हैं, 35 फंदे हमने इसमें यहाँ बॉर्डर में डाले थे और 14 फंदे हमने बढ़ाए हैं, 7 फंदे इस तरफ बढ़े हैं, 7 फंदे इस तरफ बढ़े हैं, तो अब हमारे पास ये 49 फंदे हैं। इन्हीं फंदों को बार बार इसकी उल्टी उल्टी सिलाई दोनों तरफ से बनाते हुए इसी तरह से हम यहाँ पर 5 धारियाँ बुन लेंगे। तो देखिए ये 5 धारियाँ हमारी बन के कम्प्लीट हुई, 49 यानी 49 फंदे हैं। अब हम इनको 3 भागों में डिवाइड करेंगे, तो सेंटर के फंदे हम यहाँ पर 9 फंदे रखेंगे,
तो 9 निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे 40 फंदे बच जाएंगे, तो 20 यहाँ पे रखेंगे और 20 यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर अब हम एक मार्कर लगाएंगे। ऐसे अब देखिए 2 4 6 8 और 9, एक मार्कर हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। अब आगे के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 20 फंदे एक साइड हो गए हैं और 20 फंदे एक साइड, सेंटर में हमारे पास 9 फंदे हैं। अब हम इसका नीचे से शॉल बनाएंगे। तो देखिए, इन फंदों को हम बुनेंगे इस तरह से। तो ये 20 फंदे हैं, तो इसमें से हम 19 फंदे बुनेंगे। तो यहां से हम ये फंदे इसी तरह से बुन लेंगे और सीधी तरफ आएंगे, तब हम फंदे इसके घटाएंगे। तो ये मार्कर यहीं पे लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए, हम यहीं से ही टर्न करेंगे इस तरह से। अब देखिए, यहाँ से हम, या तो आप इस फंदे को ऐसे ही स्लिप कीजिएगा, ऐसे स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए, एक फंदा बुना, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां फंदा है। इस फंदे को लेंगे, इस मार्कर को यहाँ से निकालेंगे, इस फंदे को ऐसे पलटेंगे, इस फंदे के साथ आगे से एक फंदा लेंगे और इस तरह से धागा पीछे करेंगे और इसको सीधा बुनेंगे। तो सेंटर के फंदे हमारे देखिए 9 ही रहेंगे, 3 3 6 और 3 3 9, यहाँ से फंदा हमारा घटता जाएगा। अब देखिए, इस फंदे को स्लिप करेंगे फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 9वां फंदा है, यहाँ से इस मार्कर को निकालेंगे, आगे वाले फंदे के साथ लेके 2 का 1 करेंगे ऐसे। अब यहीं से ही टर्न करेंगे। अब इस फंदे को स्लिप करेंगे ऐसे, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, धागा पीछे, 9वें फंदे को जो 2 का 1 किया है इसको लेंगे, ऐसे पलटेंगे और आगे वाले फंदे के साथ बैक लूप से 2 का 1 करेंगे ऐसे। अब फिर यहीं से टर्न करेंगे, उतारेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट वाला जो 2 का 1 किया था, इस फंदे को आगे वाले के साथ लेंगे ऐसे, 2 का 1 करेंगे इस तरह से। फिर यहीं से ही टर्न करेंगे, इस फंदे को ऐसे उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इसको टाइट रखेंगे, लूज नहीं रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, धागा पीछे, इसको लेंगे ऐसे पलटेंगे और यहाँ से बैक लूप से 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से आगे से बहुत ही अच्छे से ये हमारा शॉल बनेगा और बुटीज की फिटिंग भी बहुत ही अच्छे से आएगी। तो इसी तरह से करते हुए हम लास्ट तक फंदे घटाएंगे, जब हमारे 4 फंदे रह जाएंगे तब तक हम इसको बुनते जाएंगे। तो देखिए, दोनों तरफ से फंदे घटाते हुए इस तरह से साइड में हमारे 4 फंदे यहाँ पे बचे हैं और 4 फंदे इस साइड में बचे हैं। अब देखिए कैसे करेंगे।
तो इस फंदे को फिर से स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब सेंटर से दो फंदे लेंगे और साइड से एक फंदा लेंगे। तो देखिए, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। अब धागे को पीछे करेंगे। अब देखिए, एक फंदा ये, एक फंदा आगे से लेंगे, तो इनका तीन का एक करेंगे बैक लूप से, ऐसे तीन का एक करेंगे, फिर यहीं से ही टर्न करेंगे। अब इसको स्लिप करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। अब देखिए, यहाँ से दो लेंगे, आगे से एक लेंगे, तो इस तरह से तीन का एक बनाएंगे, फिर यहीं से ही टर्न करेंगे। अब इस फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, और फिर से एक, दो, तीन, चार, धागा पीछे। अब देखिए, आगे से दो एक फंदा लेंगे, यहाँ से सेंटर से दो लेंगे, तो यहाँ से तीन का एक बनाएंगे इस तरह से। अब फिर यहीं से टर्न करेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से दो, तीन और चार। अब यहाँ से सेंटर से दो लेंगे, आगे से एक लेंगे, तो तीन का एक बनाएंगे इस तरह से। फिर यहीं से टर्न करेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, और दो और तीन, धागा पीछे करेंगे। अभी सेंटर से दो लेंगे, आगे से एक लेंगे, तो ऐसे तीन में सिलाई डाल लेंगे और बैक लूप से सीधा फंदा तीन का एक बनाएंगे इस तरह से। अब फिर यहीं से टर्न करेंगे, इसको उतारेंगे और एक फंदा बनाएंगे। अब सेंटर से दो लेंगे, आगे से एक लेंगे, तो इस तरह से तीन का एक बनाएंगे, फिर यहीं से ही टर्न करेंगे। अब देखिए, इस फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये यहाँ से दो लेंगे, आगे से एक लेंगे, धागे को पीछे रखेंगे, यहाँ से तीन फंदों में डाल लेंगे और ऐसे फंदा बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए कैसे करेंगे। अब ये तीन फंदे हैं, तो इन तीन का एक बनाएंगे इस तरह से, तो तीन का एक फंदा बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये एड़ी की शेप बहुत ही अच्छे से बन के आएगी, और अब सिर्फ हमने यहाँ से इसकी सिलाई करनी है। तो जो ये धागा है, इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे, इसी से ही हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इस धागे को मैंने लंबा काट लिया है, और इसी के अंदर से हम इसको निकालेंगे और नोट लगाएंगे। अब देखिए, जो ये पिंक पार्ट है, इसको पिंक से सिल लेंगे, येलो है येलो से सिलेंगे, और आगे पिंक है पिंक से सिलाई करेंगे। तो देखिए, इसकी सिलाई अब हम कैसे करेंगे। तो इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे सीधी तरफ से, तो यहाँ से फंदा निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से लेंगे और धारी के अंदर धारी को मिलाते हुए इसकी हम सिलाई करेंगे ऐसे। देखिए, एक, दो, तीन, चार, यहाँ भी चार धारियाँ हैं। अब एक बार इसके अंदर से निकाल लेंगे ऐसे, फिर इसके अंदर से निकालेंगे, फिर यहाँ से लेंगे फिर यहाँ से इस धारी से लेंगे फिर इस धारी से लेंगे पता भी नहीं चलेगा कि इसकी सिलाई हमने कहाँ से की है। अब इसके अंदर से लेंगे और अब इस धारी के अंदर से लेंगे। तो देखिए, इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे, फिर येलो धागा डालेंगे, येलो से करेंगे, आगे फिर पिंक से करेंगे। तो देखिए, बेबी बुटीज हमारी बन के तैयार है। बहुत ही प्यारी सी बेबी बुटीज हमारी बनी है, और शॉल भी नीचे से बहुत ही
सुंदर बन के आया है। फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है और डिजाइन भी बहुत ही प्यारा सा बना है। तो देखिए, अगर आपको मेरी ये बेबी बुटीज पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी ये बेबी बुटीज कैसी लगी और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।